हे गाइस, कैसे हो सारे? आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। आज है 24th ऑफ अप्रैल और अभी 8 बज रहे सुबह के। सो बेसिकली येस्टरडे आई केम अक्रॉस समथिंग इनसेनली कूल। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेथवर्क, ठीक है? लेकिन ब्रेथवर्क क्या होता था वो मुझे पहले से पता था, लेकिन एक डिफरेंट टाइप का ब्रेथवर्क है। इट इज़ कॉल्ड द होलोट्रॉपिक, या तो होलोट्रॉपिक ऐसा कुछ ही है ब्रेथवर्क। सो ये ब्रेथवर्क ऐसा है जिसमें यू कैन हेल्यूसिनेट योरसेल्फ एंड जो भी मतलब ऐसा बोलते हैं, यू कैन चेक दिस आउट ऑन गूगल, मतलब फॉर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। मैंने कल इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है एंड मैं सोचा कि मैं भी ट्राई करूँगा ये चीज़। सो अभी हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन आई वुड रियली नॉट एडवाइस एवरीवन टू ट्राई दिस। दिस ब्रेथवर्क हैज़ इट्स ओन डेंजर्स, मतलब इतना एडवाइजेबल नहीं है सब लोगों करना। एक कोई प्रोफेशनल आपके साथ है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते क्या जाएगा। और मेरा एक दोस्त भी है ऋषभ करके, उसने भी कल ट्राई किया क्योंकि मैंने उसको भेजा था। सो जो फिलहाल मैं भी ट्राई करने वाला हूँ, दैट इज़ द शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ द होलोट्रॉपिक ब्रीदिंग, क्योंकि वो 3-3 घंटे तक एक्सटेंड हो सकता है। और ये पूरी चीज़ मैं फिल्म करने का ट्राई करूँगा कि क्या क्या होता है मेरे साथ, और उसके अंदर मैं मुझे कैसा फील हुआ वो भी आई लेट यू गाइज नो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सो बींग कम्प्लीटली ऑनेस्ट, कुछ फील नहीं हुआ, पर वाइल आई वॉज ब्रीदिंग टिकली फील होगा हाथ में, पैर में और हर जगह, वो हुआ मेरे को। एंड राइट नाउ व्हेन आई एम सीइंग अराउंड ना, तो मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट से दिख रहा है। और अगर यू अगर आपको पता है ऐसे कोल्ड और टेम्परेचर वाइज तो काफ़ी कोल्ड दिख रहा है, मतलब सारा ब्लू ब्लू सा, वो पता नहीं, बट कुछ डिफरेंट सा फील भी नहीं हो रहा था। पर मे बी आई एम डूइंग इट रॉन्ग, ऐसा हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट गिविंग अप। मैं और एक बार ट्राई करूंगा और उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। ऑलराइट, सो वी आर बैक इन द न्यू सेटिंग, बट बिफोर आई स्टार्ट माय सेकंड अटेम्प्ट, ऋषभ को कॉल करना था, तो ऋषभ को कॉल करते हैं अभी। हेलो। हाँ, तो सो तूने होलोट्रॉपिक ब्रेथवर्क चालू किया ना, मतलब कल किया ना ट्राई, तो क्या था एक्सपीरियंस और सब, थोड़ा जरा बता तो। अच्छा था। हाँ, थोड़ा क्या फील हुआ था? तो आपने वो जो ब्रेथवर्क आज ट्राई किया था, आपको कैसा फील हुआ उसके बाद? और करते समय जैसे वो वीडियो में बताया था, ऐसा कुछ फील हुआ क्या आपको जरा भी? और वापिस कभी आप ट्राई करोगे? अच्छा, ठीक है, थैंक यू, बाय। ऑलराइट, सो अभी मैं चालू करने जा रहा हूँ, लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोस, विश मी लक। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जैसे जैसे मैं बीच में आया तो मालूम पड़ रहा था मेरे को, मेरा पूरा चेस्ट में क्रैम्प्स आ रहे थे, मेरे को मेरा बैक जो है लोअर बैक और कॉर्ड्स उसमें भी थोड़ा टाइटनेस फील हो रहा था। जब भी आई होप ये कैप्चर किया होगा कैमरा ने, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब एंड में मैंने हाथ छोड़ा, आफ्टर आई एक्सहेल्ड, उसके अंदर मैंने ब्रीथ किया ही नहीं था, और उसके अंदर मैं कांपने लग गया, तो लेकिन तभी भी मेरे को एकदम प्रॉपर फील हो रहा था। और फिर उसके अंदर मेरे को ये वाला वीडियो दिमाग में आया, मेरे को डर लगने लग गया, तो फिर मैंने आँख खोल दिया एंड उसके अंदर मैं जैसे आपने देखा सिर्फ बैठा रहा,
और अभी भी मेरे को फुल कॉन्ट्रास्ट में दिख रहा है। मेरे को जैसे सुबह कैसे एकदम कोल्ड टाइप दिख रहा था, मतलब थोड़ा ब्लू ब्लू दिख रहा था मुझे, मैंने ऐसे आपको बोला था, लेकिन अभी कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। पर ये वाला काफी डिफरेंट था जो सुबह सुबह मैंने किया था उससे, आई गेस बिकॉज मैं थोड़े ज्यादा टाइम के लिए किया एंड ऑल्सो क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल था यहाँ पे, इसलिए एसी वैसे चालू था। इसलिए ये बेसिकली मैंने एक वीडियो में भी देखा था जिससे वो लोग बोलते हैं कि दिस हेल्प्स यू लेट आउट द थिंग्स दैट यू हैव हेल्ड इनसाइड यू सिंस लॉन्ग। तो अभी पता नहीं, मैंने इतने टाइम तक किया नहीं ट्राई, तो इतना कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन ये वाला काफी डिफरेंट था सही में, एकदम रिलैक्स फील हो रहा हूँ। और मैंने जो इन लोग से नहीं सुना था वो मुझे अभी हुआ कि आई वॉज शिवरिंग, मतलब पूरा हाथ पाथ ऐसा कांप रहा था और बॉडी पूरा ऐसा हिल रहा था, मतलब मेरे को फील हो रहा था। अगर दिखेगा तो बहुत अच्छी बात है कैमरा पे, क्योंकि कैमरा काफी दूर था, तो एडिट करके जूम करके मैं ट्राई करूंगा देखने को। सो बस ये था मेरा एक्सपीरियंस गाइस, आई स्टिल एडवाइज यू नॉट टू ट्राई इट। कोई साथ में रहेगा तो मे बी ट्राई करो, या तो ऑनलाइन अच्छा खासा रिसर्च करके फिर ट्राई करो। सो मैं भी मतलब इसको अभी ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा, बट आई विल डेफिनेटली डू इट अंडर अ मेंटर, मतलब अगर किसी को, अगर कोई है जो वीडियो देख रहा है जिसको ये सब पता है और गाइड कर सकता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हेल्यूसिनेट जैसे वो लोग बोलते हैं वैसा कुछ हुआ नहीं टू बी ऑनेस्ट, पर इट वॉज ग्रेट। अभी लॉकडाउन में और ट्राई करेंगे, देखेंगे और कुछ नई नई चीजें। एंड इफ यू वॉन्ट मी टू ट्राई आउट समथिंग न्यू इन दिस लॉकडाउन, मतलब ऐसी जैसे वियर्ड वियर्ड चीजें है, क्योंकि आगे के भी वीडियोस काफी अच्छे मैंने ऐसे सोच के रखे, तुम लोग बस कमेंट करो यार, प्लीज कमेंट करो और बोलो क्या चाहिए, या तो फिर बोलो कि हाँ भाई जो तू सोच रहा है बना। एंड ऑल्सो आई एम ग्लैड बाय द रिस्पॉन्स जो आप लोगों ने दिया है मेरे लास्ट वीडियो पे, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा लोगों को समझ आएगा वो वीडियो क्या है, किस चीज के बारे में। ऐसा भी है कि बहुत जनों को नहीं पसंद आया, जाओ और क्या बोलते उसको, सब्सक्राइब लाइक शेयर, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू गाइस वेरी सून, बाय। आया।